चाइना, बेशर्मी की इंतहाएं। जिस समय चीनी वायरस या जिसको हम वुहान वायरस भी कहते हैं, उसके प्रकोप से सारी दुनिया में हाहाकार मचा है। दुनिया भर में इंसानी लाशें गिरी हैं, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। उस समय बेशर्मी की इंतहा पार करते हुए चीन की सरकार वुहान की उस लेबोरेटरी के लिए नोबेल प्राइज की मांग कर रही है जो कि इनफेमस है, जिसके ऊपर शक बार बार व्यक्त किए जाते हैं। चीन से मांग की जाती है कि कोऑपरेट करे रिसर्च करने में कि कहीं यह वायरस उस लैब में जो प्रयोग हो रहे थे उसकी वजह से तो नहीं फैला है। और नए नए सबूत आते हैं, नए नए विषय आते हैं कि संभवतः वहीं से फैला हो, क्योंकि वहाँ की जो सुरक्षा थी जिस ग्रेड की होनी चाहिए थी वह भी नहीं थी। चीन चमगादड़ों पर, कोरोना वायरसेस पर ऑलरेडी रिसर्च करता रहा है। उसके उपरांत यदि चीन यह कहता है कि उसने बहुत बड़ी मानव सेवा की है इस लैब के माध्यम से रिसर्च करके कोरोना वायरस के ऊपर, और जिसके कारण जो वैक्सीन्स बने हैं काफ़ी जल्दी बन गए, तो हैरानी तो होती है। लेकिन ये किस तरफ इंगित करता है? आप मेरी बात को हो सकता है कि हंसी ठिठोली में टाल दें कि कौन देगा इनको नोबेल प्राइज, कैसे मिलेगा। लेकिन याद कीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बड़ी संस्था किस तरह चीन के हाथों बिक गई और चीन को एक तरह से सुरक्षा कवच देती रही और दे रही है। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि यदि नोबेल कमेटी में बहुत सारे लोग उस प्रकार के निकले जैसा उनको नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो आप मान कर चलिए कि जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व व्यवस्था बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है और चीन आगे आ रहा है, फिर चीन का विरोध कौन करेगा सिवाय भारत के? हमको तो स्वाभाविक रूप से करना है, हमारी सीमा लगी हुई है, हमारे सीमा के विषय हैं, तो हम तो करेंगे ही सही। लेकिन चीन ने जो मांग की वुहान लेबोरेटरी के लिए नोबेल प्राइज की, उसको हल्के में ना ले, वो भी उस समय जब नए नए पेपर्स लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े जर्नल्स में लिखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो चीनी वायरस उर्फ कोरोना वायरस फैला है, यह टेस्टिंग की वजह से फैल सकता है, फैला होगा। ये बार बार शंकाएं बड़े बड़े वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे हैं। उस समय चीन ऐसी मांग करता है, और ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कर दिया। यदि उनकी सरकारी एजेंसी इस प्रकार की बातें करती है तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की आवश्यकता है और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नोबेल कमेटी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको वैसा नहीं होना चाहिए कि जिस जगह पर बैठे हों और ऐसे लोग हों, इस पर भी दृष्टि केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं बार बार वार्न करता हूँ, चीन विश्व व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने में लगा है। चौकन्ना रहो, जागते रहो। जय हिंद।